नमस्कार, आप सभी ट्रेनीज का स्वागत है। भारतीय चुनावों की पूर्ण प्रक्रिया से मैं आपका परिचय करवाऊंगा, जिसमें आप इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और वीवीपैट को चुनाव के लिए तैयार करने से लेकर चुनाव का नेतृत्व और अंत में वोटों की गिनती तक सभी चीजें सीखेंगे। इस प्रशिक्षण के अंत में आप सबके पास वो सारी जानकारी होगी जो उस टीम का हिस्सा बनने के लिए जरूरी है जो भारतीय चुनावों की तैयारी करते हैं और निष्पक्ष तरीके से कंडक्ट करते हैं। आप सबसे निवेदन है कि मैं जो भी आपको बताऊं उसे आप ध्यान से सुने और समझें। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम कई उम्मीदवारों में से एक का चयन करने का एक सरल तरीका है। ईवीएम के सभी वर्जन्स के दो बुनियादी हिस्से होते हैं, बैलेटिंग यूनिट यानी बीयू और कंट्रोल यूनिट यानी सीयू। और इसके अलावा ईवीएम का एक तीसरा हिस्सा भी होता है जिसे वीवीपैट यानी वोटर वेरिफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल कहते हैं, जो ईवीएम सेटअप में एक नया एडिशन है। वीवीपैट के अपने दो हिस्से हैं, वीवीपैट प्रिंटर और उससे जुड़ी वीवीपैट स्टेटस डिस्प्ले यूनिट यानी वीएसडीयू। सीयू और वीएसडीयू को प्रिसाइडिंग ऑफिसर या पोलिंग ऑफिसर के पास रखा जाता है और वीवीपैट प्रिंटर को बीयू के साथ वोटिंग कंपार्टमेंट में रखा जाता है। ये सभी खास कैरिंग केसेस में पैक होकर आते हैं। इन केसेस के बीच में और साइड में लैचेस होते हैं जिन्हें इस तरह से खोला जाता है। मतदाता अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग करने के लिए बैलेटिंग यूनिट का उपयोग करते हैं। बैलेट पेपर यहां लगाया जाता है। वीवीपैट मतदाता को भौतिक रूप से ईवीएम पर दिए हुए मत की पुष्टि करने में मदद करता है। वीवीपैट प्रिंटर यूनिट मतदाता द्वारा चुने गए उम्मीदवार का सीरियल नंबर, नाम और सिंबल प्रिंट करता है। वीएसडीयू वीवीपैट से संबंधित एरर एंड मैसेजेस डिस्प्ले करता है। बीयू और वीएसडीयू को वीवीपैट से तथा वीवीपैट को सीयू से केबल के माध्यम से जोड़ा जाता है। प्रत्येक बीयू में नोटा सहित 16 उम्मीदवार हो सकते हैं। 4 बीयूस को जोड़कर नोटा सहित 64 उम्मीदवारों को मतदान के लिए एक श्रृंखला में जोड़ा जा सकता है। हालांकि M3 ईवीएम में 24 बीयूस को श्रृंखला में जोड़ा जा सकता है। कंट्रोल यूनिट बीयू को एक्टिवेट करती है ताकि मतदाता अपने वोट डाल सकें। साथ ही सीयू वोट्स को रिकॉर्ड भी करती है। वीवीपैट मतदाता द्वारा चयनित उम्मीदवार के सीरियल नंबर, नाम और उसके चुनाव चिन्ह को 10 सेंटीमीटर लंबे पेपर स्लिप पर प्रिंट करता है, जिसे वीवीपैट स्लिप कहते हैं। प्रत्येक चुनाव से पहले हर पोलिंग स्टेशन के लिए बैलेटिंग यूनिट, कंट्रोल यूनिट और वीवीपैट को तैयार किया जाता है। इन मशीन्स के इस्तेमाल के दौरान हम इनके बारे में और जानेंगे, लेकिन फिलहाल कंट्रोल यूनिट के इन हिस्सों से परिचित होना जरूरी है। यह है पावर ऑन लैंप और यह है बिजी लैंप। डिस्प्ले सेक्शन, कैंडिडेट सेट सेक्शन, रिजल्ट सेक्शन, बैलेट सेक्शन। इसके अलावा पावर ऑन स्विच और सॉकेट को भी चेक कीजिए, जो कंट्रोल यूनिट से बीयू और वीवीपैट को कनेक्ट करता है। वीवीपैट का सेटअप आप इस प्रकार करेंगे। लॉकिंग लैच को रिलीज करें, बैटरी लगाएं और डोर बंद कर दें। पेपर रोल कंपार्टमेंट खोलें। पेपर रोल में स्पिंडल को लगाकर उसे ग्रूव्स में डाल दें। पेपर रोल के किनारे को पेपर इंसर्शन गाइड में दाखिल करें और 4 बार पेपर फीड नॉब को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएं। वीवीपैट प्रिंटर के केबल को सीयू से तथा बीयू और वीएसडीयू के केबल को वीवीपैट के साथ इस तरह से जोड़ें। ईवीएम और वीवीपैट के सभी कनेक्शन और डिसकनेक्शन हमेशा पावर ऑफ मोड में ही किए जाने चाहिए। तो ट्रेनीज, ये था परिचय उस मशीन सेटअप का जिसे आप चुनाव में इस्तेमाल करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले टेस्ट करते हैं कि अब तक हमने क्या सीखा। इट्स क्विज टाइम। मतदाता ईवीएम के किस कंपोनेंट को अपने वोट कास्ट करने के लिए प्रयोग करते हैं? कंट्रोल यूनिट और सीयू, बैलेटिंग यूनिट और बीयू, वोटर वेरिफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल और वीवीपैट। एक बीयू एक समय में कितने उम्मीदवार ले सकता है? 16, 24, 8, 12। 2006 के बाद वाले अपग्रेडेड ईवीएम में कितने बीयूस को एक श्रृंखला में जोड़ा जा सकता है? 16, 24, 8, 12। इनमें से कौन सा हिस्सा वीवीपैट सेटअप का हिस्सा नहीं है? कंट्रोल यूनिट और सीयू,
प्रिंटर यूनिट, स्टेटस डिस्प्ले यूनिट। अब हम समझेंगे कि ईवीएम और वीवीपैट की एफएलसी यानी फर्स्ट लेवल चेकिंग कैसे की जाती है। एफएलसी शुरू करने से पहले डीओ यह सुनिश्चित कर लें एफएलसी हॉल इतना बड़ा है कि इसमें चेक की जाने वाली ईवीएम और वीवीपैट को ठीक तरह से रखा जा सके। एफएलसी हॉल वेल लाइटेड, वेल वेंटिलेटेड और डस्ट फ्री है। एफएलसी एरिया की मोर्चा बंदी और सुरक्षा पुलिस द्वारा की जा रही है। हॉल के अंदर और बाहर फायर एक्सटिंग्विशर और फायर अलार्म की पर्याप्त सुविधाएं हैं। हॉल सभी तरह इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से मुक्त है। पीने का पानी, शौचालय, प्राथमिक उपचार जैसी अन्य सुविधाएं उपलब्ध हैं। अंदर आने और बाहर जाने का एक ही दरवाजा है और वो आर्म पुलिस फोर्स की लगातार निगरानी में है। मेटल डिटेक्टर वाली चौखट लगाई जा चुकी है। एफएलसी के लिए लगाए गए अधिकारियों और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को एफएलसी हॉल में जाने के लिए आइडेंटिटी कार्ड जारी कर दिए गए हैं। वेबकास्टिंग और वीडियोग्राफी की व्यवस्था की जा चुकी है। एफएलसी से संबंधित सभी रजिस्टर्स या फॉर्म्स का प्रबंध कर लिया गया है। डीओ द्वारा नामांकित दो चुनाव अधिकारी ही सिर्फ दो मोबाइल अंदर ले जा सकते हैं, जो एफएलसी ओके और एफएलसी रिजेक्ट मार्क करने के लिए कमीशन द्वारा डेवलप्ड एक खास मोबाइल ऐप के लिए इस्तेमाल होंगे। ईवीएम्स और वीवीपैट्स की एफएलसी बीईएल या ईसीआईएल के ऑथराइज्ड इंजीनियर करते हैं और यह काम आयोग द्वारा चुनावों की घोषणा से काफी पहले डीओ के स्तर पर किया जाता है। एफएलसी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में किया जाता है। एफएलसी की सभी प्रक्रिया डीईओ द्वारा नामांकित एक अधिकारी जो एडिशनल डीईओ या फिर डेप्यूटी डीईओ रैंक का हो की निगरानी में होनी चाहिए। इस प्रक्रिया की पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग होनी चाहिए और सीसीटीवी के जरिए इस पर डीईओ को नजर रखनी चाहिए। एफएलसी सुपरवाइजर एफएलसी शुरू करने से पहले डीईओ द्वारा एक सर्टिफिकेट सीईओ को भेजेंगे जिसमें यह डिक्लेयर किया जाएगा कि सभी तैयारी ईसीआई के इंस्ट्रक्शन के अनुसार कर ली गई है। एफएलसी के दौरान बीयू, सीयू और उनके कैरिंग केसेस से सभी तरह के सील्स, स्टिकर्स और मार्किंग्स को हटाना, बीयू से बैलेट शीट और सीयू से पुराने डेटा को क्लियर करना, सभी बटन्स, कनेक्टर्स, डिस्प्ले और डोर्स आदि को चेक करना एवं चरम मतदान आदि किया जाता है। सीयू और बीयू के कैरिंग केसेस को खोलकर यूनिट से बाहर निकाल लें। सभी टैग्स, पिंक पेपर सील्स, एफएलसी स्टिकर्स, वैक्स सील्स और बैलेट शीट हटा दें। फिजिकल चेकिंग के समय सुनिश्चित करें कि सीयू के सभी बटन्स, टॉगल स्विच, कनेक्टर्स, डोर्स, डिस्प्ले पैनल और प्लास्टिक बॉडी ठीक हैं। इसी प्रकार बीयू के सभी कनेक्टिंग केबल्स, कनेक्टर्स, लैचेस, फ्लैप्स, स्लाइड स्विचेस और प्लास्टिक बॉडी ठीक है। BEL और ECIL के इंजीनियर्स एनेक्सर 5 में सर्टिफाई करेंगे कि EVM के सभी कंपोनेंट्स असली हैं। CU का बैटरी कंपार्टमेंट खोलें, पावर पैक कनेक्टर को CU के प्लग के साथ अलाइन करें और पावर पैक को दबाकर इंसर्ट करें। CU का कनेक्टर कंपार्टमेंट खोलें, BU केबल को कंट्रोल यूनिट के बीयू इंटरफेस कनेक्टर्स के साथ जोड़ें, बीयू के स्लाइड स्विच को एक पर सेट करें और बीयू के सभी 16 बटन्स को अनमास्क करें। ईवीएम को स्विच ऑन करें। सीयू में पावर ऑन एलईडी हरी जलनी चाहिए। पावर ऑन के दौरान सीयू में ये सभी मैसेजेस डिस्प्ले होने चाहिए। ईवीएम इज ऑन, डेट एंड टाइम, कंट्रोल यूनिट का सीरियल नंबर, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, बैटरी स्टेटस। अगर पावर ऑन करते समय सीयू में इनमें से कोई भी डिफेक्ट पाया जाता है तो उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है। एक या एक से ज्यादा सेगमेंट्स कम हो या कोई एक्स्ट्रा सेगमेंट डिस्प्ले हो, बीप ना होने पर या निरंतर बीप होने पर। अगर ग्रीन एलईडी पावर ऑन के दौरान ना जले, सीयू पर डिस्प्ले डेट और टाइम चेक करें। गलत डेट और टाइम के केस में सही डेट और टाइम टाइम सेट जिग की मदद से सेट करें। सीयू में स्टोर्ड पिछले पोल्ड डेटा को क्लियर करने के लिए रिजल्ट कंपार्टमेंट का बाहरी दरवाजा खोलें
और फिर अंदर के दरवाजे को खोलकर क्लियर बटन को प्रेस करें। अगर CU इनवैलिड डिस्प्ले करता है तो रिजल्ट बटन को प्रेस करें। फिर भी अगर CU इनवैलिड डिस्प्ले करता है तो क्लोज बटन को प्रेस करें। जब क्लोज डिस्प्ले सीक्वेंस पूरा हो जाए तो रिजल्ट बटन दबाएं और इंतजार करें जब तक CU एंड डिस्प्ले ना कर दे। इसके बाद क्लियर बटन दबाएं। क्लियर ऑपरेशन के दौरान ध्यान दें कि CU सभी उम्मीदवारों के लिए जीरो वोट्स डिस्प्ले करें। उम्मीदवारों को सेट करने के लिए CU के कैंडिडेट सेट बटन दबाने पर CU के डिस्प्ले पैनल में सेट कैंडिडेट मैसेज डिस्प्ले होगा। 16 उम्मीदवारों को सेट करने के लिए BU में 16वें बटन को दबाएं। CU में बैलेट बटन को दबाएं। CU में बिजी LED लाल जलेगी और BU में रेडी LED हरी। BU में पहले उम्मीदवार का बटन दबाएं। ध्यान दें कि बटन के साइड वाली रेड LED बल्ब जलनी चाहिए। बीप सुनाई देगी। ध्यान दें कि CU में बिजी LED बल्ब और BU में रेडी लैंप ऑफ हो जानी चाहिए। इस प्रक्रिया को BU के सभी 16 उम्मीदवारों के बटन्स के लिए दोहराएं। इसके बाद टोटल बटन दबाएं। चेक करें कि CU डिस्प्ले में टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स और टोटल वोट्स 16 हों। इसके बाद क्लोज बटन दबाएं। CU पोल क्लोज डिस्प्ले करेगा। इसके बाद रिजल्ट बटन को दबाएं और प्रत्येक उम्मीदवार के दिए गए वोट्स पर ध्यान दें। अंत में क्लियर बटन को दबाएं और इंतजार करें जब तक CU सभी उम्मीदवारों के लिए जीरो वोट्स डिस्प्ले ना कर दे। टोटल बटन को दबाकर यह सुनिश्चित कर लें कि यह टोटल वोट्स जीरो हैं। फंक्शनैलिटी टेस्ट के दौरान डिफेक्टिव यूनिट्स को रिजेक्ट कर दें। रिजेक्टेड यूनिट्स को अलग कर दें। रिजेक्टेड यूनिट्स के सीरियल नंबर्स और डिफेक्ट्स नोट कर लें। राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के द्वारा चुनी गई 1% EVMs में 1200 वोट्स, 2% EVMs में 1000 वोट्स, 2% EVMs में 500 वोट्स डालकर मॉक पोल किया जाना चाहिए। FLCO के कंट्रोल यूनिट को पिंक पेपर सील, जिस पर एक यूनिक आईडी होती है, से सील करें। नाशिक सिक्योरिटी प्रेस द्वारा सप्लाई की गई इस सील को कंट्रोल यूनिट के कैंडिडेट सेट सेक्शन और रिजल्ट सेक्शन के बीच में लगाया जाना चाहिए। इस सील से सुनिश्चित होता है कि अब कोई भी इस पिंक पेपर सील को तोड़े बिना CU के अंदरूनी पुर्जों तक नहीं पहुंच पाएगा। मशीन निर्माता के इंजीनियरों और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को इस गुलाबी पेपर सील पर अपने दस्तखत करने चाहिए। EVM के यूनिक आईडी को और पिंक पेपर सील के सीरियल नंबर को एक रजिस्टर में लिखा जाना चाहिए और इसे राजनीतिक दलों द्वारा अटेस्ट करवाना चाहिए। इस रजिस्टर की एक फोटोकॉपी देकर राष्ट्रीय और राज्य स्तर के सभी राजनीतिक दलों से, कैंडिडेट सेटिंग के वक्त मौजूद सभी उम्मीदवारों से उसकी रसीद ली जानी चाहिए। यह रजिस्टर मतगणना के समय उपलब्ध होना चाहिए। FLC में ठीक पाई गई BU और CU की बैक साइड पर हरे रंग का FLCOK स्टिकर चिपकाएं। CU और BU का सीरियल नंबर रिकॉर्ड करके FLC स्टिकर पर सिग्नेचर करें। लाल रंग का FLC फेल स्टिकर खराब CU और BU के पीछे लगाएं। इन CU और BU का सीरियल नंबर रिकॉर्ड करके FLC स्टिकर पर सिग्नेचर करें। सभी डिफेक्टिव यूनिट्स को एक लिस्ट में कंसोलिडेट करके FLC इंचार्ज को सबमिट करें। VVPAT का FLC EVM की FLC के साथ या उससे पहले किया जाना चाहिए। VVPAT में लगे पुराने एड्रेस टैग्स और FLC स्टिकर्स हटा दें। बैलेट स्लिप कंपार्टमेंट को खोलें और चेक करें कि अंदर कोई बैलेट स्लिप ना हो। अगर कोई पुरानी प्रिंटेड स्लिप्स किसी चुनाव चिन्ह के साथ पाई जाती है तो तुरंत FLC इंचार्ज को रिपोर्ट करें। बैटरी कंपार्टमेंट में अगर बैटरी हो तो उसे निकाल दें। सभी लैचेस, स्विचेस और कनेक्टर्स को चेक कर लें। FLC के लिए नई बैटरी को बैटरी कंपार्टमेंट में इस तरह लगाएं। VVPAT के बैटरी कंपार्टमेंट को दोनों लैचेस दबाकर और दरवाजे को बाहर खींचकर खोलें। बैटरी कंपार्टमेंट के अंदर बैटरी प्लग होगा। बैटरी को बैटरी प्लग में लगाएं। बैटरी कंपार्टमेंट डोर को बंद करें।
साइड लैचेस को खोलकर और टॉप कवर को उठाकर पेपर रोल कंपार्टमेंट को खोलें। स्पिंडल को निकालकर उसमें थर्मल पेपर रोल को लगाएं और स्पिंडल को अपनी पोजीशन में वापस लगाएं। थर्मल पेपर रोल के छोर को गाइड पेपर एंट्री में लगाएं। सुनिश्चित कर लें कि प्लेन पेपर ऊपर हो और प्रिंटेड बैंड पेपर के निचले सरफेस पे हो। पेपर को स्लॉट में डालें और पेपर फीड को क्लॉकवाइज घुमाएं। FLC और डेमोन्स्ट्रेशन के लिए डमी सिंबल्स, लैपटॉप या सिंबल लोडिंग जिग की मदद से सभी 16 उम्मीदवारों के बटन्स के लिए लोड करें। सिंबल लोडिंग मैन्युफैक्चरर्स के ऑथराइज्ड इंजीनियर्स द्वारा की जाती है। इसके बाद CU, BU और VVPAT को केबल्स के माध्यम से जोड़ें। टेस्टिंग के लिए VVPAT में 16 डमी सिंबल्स लोडेड होने चाहिए। सुनिश्चित करें कि VVPAT के पीछे लगा लॉक अनलॉक स्विच अनलॉक यानी वर्टिकल पोजीशन में हो। CU को स्विच ऑन करें। जैसे ही VVPAT ऑन होगा, एक पोस्ट स्लिप और 6 सेल्फ डायग्नोस्टिक रिपोर्ट्स प्रिंट होंगी। डायग्नोस्टिक रिपोर्ट्स को सिर्फ पास फेल स्टेटस के लिए चेक करें। मॉक पोल शुरू करने से पहले प्रत्येक सेंसर का स्टेटस जांच लें। अगले स्टेप पर तभी जाएं जब सारे सेंसर्स का स्टेटस डायग्नोस्टिक रिपोर्ट्स में पास हो। अगर बैटरी का स्टेटस बैटरी रिपोर्ट में फेल हो तो बैटरी पैक को बदल दें और टेस्ट दोहराएं। CU को क्लियर स्टेट में डालें। CU के बैलेट बटन को दबाएं और वेरीफाई करें कि CU और VSDU की बिजी LED ऑन है और BU का हरा रेडी लैंप भी ऑन है। अब BU वोटिंग के लिए तैयार है। पहले उम्मीदवार के लिए BU पर वोट कास्ट करें। उम्मीदवार के सिलेक्शन पर VVPAT बैलेट स्लिप प्रिंट करेगा। बैलेट स्लिप 7 सेकंड्स के लिए ट्रांसपेरेंट विंडो के पीछे डिस्प्ले होगी। उम्मीदवार का नंबर, चुनाव चिन्ह और नाम स्लिप पर सुनिश्चित कर लें। उसके बाद बैलेट स्लिप ऑटोमेटिकली कट कर बैलेट स्लिप कंपार्टमेंट में गिर जाएगा। हर एक VVPAT पर 96 वोट्स के लिए मतदान करना जरूरी है, यानी हर कैंडिडेट बटन के लिए 6 वोट्स डालना जरूरी है। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक और पेपर काउंट को टैली करें। अब CU का क्लियर बटन दबाकर सभी रिकॉर्ड्स मिटा दें। टोटल बटन दबाने पर 0 डिस्प्ले होना चाहिए। अगर मॉक पोल के दौरान टोटल की दबाने पर CU पर डिस्प्लेड टोटल वोट्स कास्ट हुए वोट्स के बराबर हो तो VVPAT FLC ओके है। मॉक पोल के दौरान VSDU पर प्रिंटर एरर या चेंज प्रिंटर डिस्प्ले होता है तो VVPAT को FLC रिजेक्ट कर दिया जाना चाहिए। मॉक पोल के बाद FLC ओके का हरे रंग का स्टिकर पास हुए VVPAT के लेफ्ट साइड में चिपका दें। इस स्टिकर पर इंजीनियर और DEO के रिप्रेजेंटेटिव के साइन होने चाहिए। इसी प्रकार रिजेक्टेड VVPAT पर FLC फेड का लाल रंग का स्टिकर लगा दें। इस स्टिकर पर इंजीनियर और DEO के रिप्रेजेंटेटिव के साइन होने चाहिए। 1% VVPATs को 64 कैंडिडेट्स के लिए 1 CU, 4 BU और 1 VSDU के साथ उसी प्रक्रिया के साथ 64 वोट डालकर मॉक पोल टेस्ट करें, यानी हर एक कैंडिडेट को कम से कम 1 वोट डालें। इंजीनियर्स द्वारा पूरे किए गए सभी BUs, CUs और VVPATs के FLC स्टेटस को रोजाना ETS में शिफ्टिंग FLC रैंडमाइजेशन मोबाइल ऐप द्वारा अपडेट किया जाना चाहिए। FLC ओके CUs के पिंक पेपर सील के नंबर को ऐप में अपलोड करते वक्त ध्यान दें कि सिर्फ न्यूमेरिकल नंबर ही अपलोड हो, ना कि उससे पहले के अल्फाबेट। जैसे कि अगर पिंक पेपर सील पर नंबर है X123456 तो सिर्फ 123456 ही अपलोड करें। VVPATs के केस में बॉक्स नंबर हमेशा 0 होगा। FLC के दौरान VVPAT पर होने वाले मॉक पोल में कितने वोट दिए जाने चाहिए? 16, 50, 100, 96। FLC के बाद EVM के कंट्रोल यूनिट को किससे सील किया जाना चाहिए? नासिक सिक्योरिटी प्रेस की पिंक पेपर सील, नासिक सिक्योरिटी प्रेस की ब्लू पेपर सील, सूरत सिक्योरिटी प्रेस की पिंक पेपर सील या सूरत सिक्योरिटी प्रेस की ग्रीन पेपर सील।
कितने प्रतिशत मशीनों के लिए 1000 वोट कास्ट होने चाहिए? 2%, 1%, 5%, 10%। ईवीएम का एफएलसी ओके होने पर इनमें से कौन से रंग का स्टिकर लगाया जाता है? रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो। ईवीएम और वीवीपैट का रैंडमाइजेशन केवल ETS यानी ईवीएम ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर में किया जाता है। यह सॉफ्टवेयर सभी कंट्रोल यूनिट्स, बैलेटिंग यूनिट्स और वीवीपैट्स की लोकेशन ट्रैक करता है। इस सॉफ्टवेयर को CEO या DEO या वेयरहाउस इंचार्ज और ECI एडमिन लेवल्स पर इस्तेमाल किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन या वीवीपैट रैंडमाइजेशन के दो स्तरों से गुजरती है। पहला DEO लेवल पर, जब EVM और VVPAT FLC के बाद असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज या सेगमेंट्स को दी जाती हैं, और दूसरा RO लेवल पर, जब RO उन्हें मतदान के लिए EVM VVPATs के साथ तैयार करते हैं और पोलिंग स्टेशंस को EVMs और VVPAT असाइन करते हैं। ट्रेनिंग और अवेयरनेस के लिए EVM और VVPAT पर पीले रंग के स्टिकर लगाए जाते हैं। फर्स्ट रैंडमाइजेशन के बाद AC वाइज लिस्ट तैयार की जाती है जो राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को दे दी जाती है। चुनाव में इस्तेमाल होने वाले ईवीएम और वीवीपैट्स आरओ को सौंप दिए जाते हैं। वो उन्हें डबल लॉक स्ट्रॉन्ग रूम में अंडर वीडियोग्राफी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के उपस्थिति में रखते हैं। राजनीतिक दलों को स्ट्रॉन्ग रूम के ताले पर अपनी मोहर लगाने की अनुमति है। प्रेपरेशन या कैंडिडेट सेटिंग से पहले आरओ लेवल पर उम्मीदवार या उनके प्रतिनिधि की उपस्थिति में सेकेंड रैंडमाइजेशन किया जाता है, जिसमें BU, CU और VVPAT पोलिंग स्टेशन वाइज एलोकेट किया जाता है। सेकेंड रैंडमाइजेशन के बाद पोलिंग स्टेशन में एलोकेटेड और रिजर्व यूनिट्स की लिस्ट तैयार की जाती है जो उम्मीदवार को दी जाती है। अब वक्त है इस सेगमेंट से जुड़े एक सवाल का। इनमें से कौन से स्टिकर EVM और VVPAT ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं? येलो, ग्रीन, ब्लू या फिर रेड? EVM और VVPATs को कैंडिडेट्स के नाम फाइनल होने के बाद पोलिंग के लिए तैयार किया जाता है। इलेक्शन कमीशन ने EVM और VVPAT में नोटा यानी नन ऑफ द अबव का भी ऑप्शन शामिल किया है, जो कि बैलेट पे कैंडिडेट्स की लिस्ट में आखिरी कैंडिडेट के सीरियल नंबर, नाम और चुनाव चिन्ह के बाद शामिल होता है। आरओ स्तर पर EVM और VVPAT को पोलिंग के लिए तैयार करने की प्रक्रिया फिर से एक बड़े हॉल में की जाती है। इस प्रक्रिया में उम्मीदवार या उनके एजेंट के अलावा कमिशन से एक ऑब्जर्वर शामिल होते हैं, जिन्हें पूरी सुरक्षा प्रक्रियाओं से गुजरना होता है। कैंडिडेट सेटिंग के समय मॉक पोल के लिए उम्मीदवार या उनके रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा रैंडमली सिलेक्टेड 5% ईवीएम्स और वीवीपैट्स पर 1000 वोट डाले जाते हैं और इलेक्ट्रॉनिक और पेपर काउंट टैली किया जाता है। इसका कॉन्फर्मेशन आयोग द्वारा निर्धारित फॉर्मेट में कैंडिडेट्स या उनके उपस्थित प्रतिनिधियों से लिया जाना चाहिए। ईवीएम और वीवीपैट को चुनावों के लिए आरओ स्तर पर चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची को अंतिम रूप दिए जाने के बाद तैयार किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य बीयू में बैलेट पेपर को लगाना, सीयू में कैंडिडेट सेट और वीवीपैट में सिंबल लोडिंग करना है। वीवीपैट प्रिंटर यूनिट में नया रोल और नया पावर पैक लगाया जाता है। BEL या ECIL के अधिकृत इंजीनियर्स उम्मीदवारों की क्रम संख्याओं, नामों और चुनाव चिन्हों को वीवीपैट में अपलोड करते हैं। इनमें अंतिम क्रम संख्या पर नोटा का पूरा नाम यानी नन ऑफ द अबव भी शामिल किया जाता है। बैलेटिंग यूनिट का फ्रंट डोर कवर खोलने के लिए लैचेस को पीछे की तरफ पुश करें और कवर को उठा दें। अब उसी तरह से फ्रंट कवर के पीछे के दोनों लैचेस को पुश करें, जिससे बैलेट पेपर स्क्रीन खुल जाएगा। यहां पे बैलेट पेपर को लगाते वक्त यह सुनिश्चित कर लें कि दो कैंडिडेट के बीच की पार्टीशन लाइन BU कवर के ग्रूव्स में सही तरह से अलाइन है। अब स्क्रीन बंद करके एड्रेस टैग लगाकर इसे सील कर दें। एक से ज्यादा बैलेटिंग यूनिट के इस्तेमाल होने पर आपको दूसरे बैलेटिंग यूनिट्स को इस कनेक्टर से जोड़ना होगा। अतिरिक्त बटन जिस पे किसी उम्मीदवार का नाम नहीं है, उन्हें मास्क कर दें। अब उम्मीदवारों की संख्या के अनुसार स्लाइड स्विच की पोजीशन सेट कर दें। उम्मीदवार संख्या 1 से 16 के लिए स्लाइड स्विच की पोजीशन BU1 पर 1 होगी।
उम्मीदवार संख्या 17 से 32 के लिए स्लाइड स्विच की पोजीशन BU 1 पर 1 होगी और BU 2 पर 2 होगी। उम्मीदवार संख्या 33 से 48 के लिए स्लाइड स्विच की पोजीशन BU 1 पर 1 और BU 2 पर 2 और BU 3 पर 3 होगी। उम्मीदवार संख्या 49 से 64 के लिए स्लाइड स्विच की पोजीशन BU 1 पर 1, BU 2 पर 2, BU 3 पर 3 और BU 4 पर 4 होगी। इसके बाद BEL या ECIL इंजीनियर्स ये सर्टिफाई करते हैं कि BU के सभी कंपोनेंट्स ओरिजिनल हैं। इसके बाद आप बैलेटिंग यूनिट के कवर को बंद कर दें और यूनिट्स को एड्रेस टैग से दोनों लैचेस को सील कर दें। उसके बाद सारे BUs को नासिक सिक्योरिटी प्रेस द्वारा सप्लाई की हुई पिंक पेपर सील से 16वें स्थान के उम्मीदवार के ठीक नीचे ऐसे सील करें कि उम्मीदवार का सीरियल नंबर, नाम और चुनाव चिन्ह न ढके। ये सील सुनिश्चित करता है कि बिना पिंक पेपर सील को तोड़े कोई भी BU के अंदरूनी हिस्से के साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ ना कर सके। उसके बाद इस पिंक स्लिप पर इंजीनियर्स और उम्मीदवार या उनके रिप्रेजेंटेटिव अपना हस्ताक्षर करेंगे। अब कंट्रोल यूनिट में नया पावर पैक लगा दें और पिछले हिस्से का कंपार्टमेंट खोलकर BU का कनेक्टर केबल कनेक्ट करें। फिर मौजूद स्विच से पावर ऑन कर दें। अब कैंडिडेट सेट वाले हिस्से को खोलकर कैंडिडेट सेट बटन दबा दें। ऐसा करते ही सेट कैंडिडेट फ्लैश होने लगेगा और साथ ही एक बीप की आवाज आएगी। अब BU पे मौजूद आखिरी कैंडिडेट नोटा वाला ब्लू बटन दबा दें। अगर उम्मीदवारों की संख्या नोटा को मिलाकर 5 है तो डिस्प्ले पर कैंडिडेट्स 5 लिखा आएगा और क्रमशः ये डिस्प्ले उम्मीदवारों के संख्या के अनुसार बढ़ता रहेगा। अगर डिस्प्ले पे इनवैलिड लिखा आए तो इसका मतलब है कि मशीन में पहले से डेटा मौजूद है। ऐसी स्थिति में क्लोज बटन को दबाएं और तब तक इंतजार करें जब तक डिस्प्ले पे पोल क्लोज लिखा ना आए। अब रिजल्ट बटन को दबाइए और तब तक इंतजार कीजिए जब तक एंड डिस्प्ले ना हो। फिर क्लियर बटन को दबाइए और तब तक इंतजार कीजिए जब तक एंड डिस्प्ले ना हो। उसके बाद कैंडिडेट सेट की प्रक्रिया को पहले बताए गए प्रक्रिया से दोबारा करें। अब CU पे उम्मीदवार सेट हो गए हैं। ठीक ऐसे ही अगर डिस्प्ले पर लिंक एरर 1 लिखकर आता है तो इसका मतलब है कि आपने BU को कनेक्टर से ठीक से कनेक्ट किए बिना ही कैंडिडेट सेट बटन दबा दिया है। आप कनेक्शन को ठीक से जांच कर दोबारा प्रयास करें। अब EVM और VVPAT को एड्रेस टैग लगाकर सील करें और वहां मौजूद कैंडिडेट्स या उनके एजेंट्स के सिग्नेचर एड्रेस टैग्स पर ले लें। इसके उपरांत EVMs और VVPATs को उनके सुनिश्चित बॉक्सेस में डाल दें। अब EVM और VVPAT डिस्पर्सल के लिए तैयार हैं। अब वक्त है इस सेगमेंट से जुड़े एक सवाल का। उम्मीदवार संख्या 38 के लिए स्लाइड स्विच की पोजीशन क्या होनी चाहिए? 1, 2, 3 या फिर 4? मान लीजिए कि आप अपने मतदान केंद्र में प्रिसाइडिंग अधिकारी हैं। क्या चीजें हैं जिनका आपको ख्याल रखना है? आइए देखते हैं। प्रिसाइडिंग ऑफिसर EVM और VVPAT पे दिए सीरियल नंबर और एड्रेस टैग को जांचकर यह सुनिश्चित करेंगे कि जो EVM और VVPAT उन्हें मिला है वो उनके पोलिंग स्टेशन के लिए ही है। डिलीवरी लेने से पहले वो मशीन के फंक्शंस की भी जांच करेंगे। उसके लिए वो ये सारी प्रक्रिया करेंगे। CU को स्विच ऑन करके वो टोटल बटन दबाएंगे और देखेंगे कि CU पर उम्मीदवारों की कुल संख्या सही है। बैलेट यूनिट पर बैलेट पेपर सही फिक्स्ड है। ये जांच करेंगे कि उम्मीदवारों वाले बटन्स खुले हैं और शेष बटन्स बंद हैं। प्रिसाइडिंग ऑफिसर को इन सब की 2 कॉपीज दी जानी चाहिए। ऑपरेशनल मैनुअल, ट्रबल शूटिंग इंस्ट्रक्शंस, एनेक्सचर 24, लिस्ट ऑफ एडिशनल आइटम्स ऑफ पोलिंग मटेरियल्स, एनेक्सचर 25। पोलिंग कर्मचारियों द्वारा किसी भी स्थिति में RO द्वारा लगाए हुए किसी सील को तोड़ा नहीं जा सकता है। अगर उन्हें मशीन में किसी भी तरह की गड़बड़ी दिखे तो वो तुरंत उसे बदलने की मांग करेंगे। पोलिंग वाले दिन प्रिसाइडिंग ऑफिसर ये सारी प्रक्रियाएं करेंगे। केसेस में से सारे यूनिट्स को बाहर निकालकर कनेक्ट करेंगे और फिर CU को स्विच ऑन कर देंगे। टोटल बटन दबाकर ये जांच कर लेंगे कि पहले से कोई पोलिंग नहीं की गई है। एक्चुअल पोलिंग शुरू होने के 1 घंटे पहले मॉक पोल किया जाना चाहिए और सभी उम्मीदवारों को इसकी सूचना लिखित में काफी पहले दी जानी चाहिए
ताकि उनके पोलिंग एजेंट्स समय पर मॉक पोल में पहुंच सके। मॉक पोल के दौरान कम से कम 2 उम्मीदवारों के पोलिंग एजेंट्स का होना जरूरी है, लेकिन अगर 2 उम्मीदवारों के पोलिंग एजेंट्स मौजूद ना हो तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर मॉक पोल शुरू करने से पहले 15 मिनट इंतजार करेंगे। लेकिन अगर फिर भी 2 पोलिंग एजेंट्स नहीं आते हैं तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर 0 या 1 पोलिंग एजेंट के मौजूदगी में मॉक पोल शुरू कर सकता है। कम से कम 50 वोट का एक मॉक पोल करें। मॉक पोल के दौरान बीयू और वीवीपैट प्रिंटर यूनिट को वोटिंग कंपार्टमेंट में रखें और सीयू और वीएसडीयू को पोलिंग ऑफिसर या प्रिसाइडिंग ऑफिसर के टेबल पर रखें। एक पोलिंग ऑफिसर वोटिंग कंपार्टमेंट में पोलिंग एजेंट्स के साथ मौजूद होना चाहिए ताकि वो बैलेटिंग यूनिट पर और वीवीपैट की प्रिंटर स्लिप पर निगरानी रख सके। पोलिंग एजेंट्स को उनके उम्मीदवार के लिए वोट डालने की इजाजत दी जा सकती है। ये रिकॉर्ड में रखना होगा कि मॉक पोल में नोटा को मिलाकर किस उम्मीदवार को कितने वोट पड़े। इस प्रक्रिया को टाला नहीं जा सकता क्योंकि इससे यह सुनिश्चित होता है कि सभी मशीन्स सही काम कर रही हैं। अब क्लोज बटन दबाकर पोलिंग एजेंट को यह दिखा दें कि अब कोई भी वोट रजिस्टर नहीं हो सकता। अगर और वोट रजिस्टर करने की कोशिश की गई तो डिस्प्ले में इनवैलिड फ्लैश होगा। अब रिजल्ट सेक्शन का बाहरी और अंदरूनी दरवाजा खोलें, फिर रिजल्ट दबाकर एजेंट को मॉक रिजल्ट दिखाएं। प्रिसाइडिंग ऑफिसर यह सुनिश्चित कर लें कि कंट्रोल यूनिट का रिजल्ट और हर उम्मीदवार की वीवीपैट से निकली हुई वीवीपैट पेपर स्लिप्स मैच करती हैं। जब वो निश्चित हो जाए तो ईवीएम से मॉक पोल डेटा क्लियर कर दें। मॉक पोल सर्टिफिकेट को साइन करने से पहले मॉक पोल रिजल्ट को क्लियर करना बिल्कुल ना भूलें। प्रिसाइडिंग ऑफिसर से ये इंश्योर कर लें कि एक्चुअल पोल से पहले सीयू का सभी डेटा मिटा दिया गया है और वीवीपैट का ड्रॉप बॉक्स खाली कर दिया गया है। आरओ का काम है कि वो मॉक पोल और उसके स्टेटस पर भी नजर रखें। इस प्रक्रिया में जहां माइक्रो ऑब्जर्वर अपॉइंटेड है वहां उसका मॉक पोल में होना जरूरी है और सारी प्रक्रियाओं का वीडियो रिकॉर्डिंग करना अनिवार्य है। मॉक पोल डेटा को क्लियर करने के बाद सीयू को एड्रेस टैग, स्पेशल टैग, ग्रीन पेपर सील और आउटर पेपर स्ट्रिप सील से एक्चुअल पोलिंग से पहले सील कर दें। मॉक पोल स्लिप के पीछे दिए गए एक मॉक पोल स्लिप का स्टैंप लगाएं और ब्लैक एनवलप में पीओ की सील से सील कर दें और फिर इस एनवलप को एक दिए हुए खास प्लास्टिक बॉक्स में डाल दें। इस बॉक्स के ऊपर पोलिंग स्टेशन का नाम और नंबर और असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी का नाम और नंबर पोल की डेट के साथ लिखा होना चाहिए। इस बॉक्स को पिंक पेपर सील से सील कर दें। प्रिसाइडिंग ऑफिसर और पोलिंग ऑफिसर्स इस सील पर अपने दस्तखत करेंगे। इस बॉक्स को चुनाव से जुड़े बाकी सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ आरओ के पास रख दें। पोलिंग के दिन मॉक पोल में कम से कम कितने वोट्स डालने चाहिए? 100, 500, 25 या 50? ग्रीन पेपर सील को दोनों रिजल्ट के फ्रेम्स में डाल दें। रिजल्ट सेक्शन के अंदरूनी कंपार्टमेंट को ग्रीन पेपर सील से ऐसे बंद करें कि वो बाहर की तरफ निकला रहे और अब रिजल्ट सेक्शन के अंदरूनी कंपार्टमेंट को सील कर दें। स्पेशल टैग को इस तरह फिक्स करें कि क्लोज बटन दिखता रहे। अब एड्रेस टैग से रिजल्ट सेक्शन के बाहरी कंपार्टमेंट को सील कर दें। अब आउटर पेपर स्ट्रिप सील को फिक्स कर दें। स्ट्रिप सील को ग्रीन पेपर सील के बेस में प्री गम्ड सेक्शन ए के साथ रखें। वैक्स पेपर सील के निचले लेयर को उस पर चिपका दें। अब बी को निकालकर उसके ऊपरी लेयर पर चिपका दें। चिपकाने के बाद प्री गम्ड सेक्शन सी ऊपर की तरफ रहेगा। अब सी के ऊपर से वैक्स पेपर हटा दें। अब ग्रीन पेपर सील के दोनों लेयर्स को सी पे दबा दें। अब स्ट्रिप सील को क्लोज बटन विंडो के नीचे से बाईं तरफ से कंट्रोल यूनिट पे घुमा दें। अब स्ट्रिप सील के दूसरे छोर को दाएं ओर से ऊपर ले आएं। अब प्री गम सेक्शन डी ऊपर है, इसका वैक्स पेपर निकाल दें और ग्रीन पेपर सील के ऊपर चिपका दें। फिर इस पर पोलिंग एजेंट अपने हस्ताक्षर करेंगे। अब ये कंट्रोल यूनिट पोलिंग के लिए तैयार है। इसके बाद प्रिसाइडिंग ऑफिसर वीवीपैट सिस्टम को ऐसे तैयार करेगा।
एक्चुअल पोल की शुरुआत से पहले वीवीपैट ड्रॉप बॉक्स को सील करने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि उसमें कोई भी पेपर स्लिप ना हो। वीवीपैट यूनिट के ड्रॉप बॉक्स को एक धागे और एड्रेस टैग से सील करें। अब बीयू और वीएसडीयू को वीवीपैट प्रिंटर के साथ कनेक्ट करें और प्रिंटर को कंट्रोल यूनिट के साथ। सभी कनेक्शंस करने के बाद कंट्रोल यूनिट को स्विच ऑन करें। बैलेटिंग यूनिट्स और वीवीपैट प्रिंटर को वोटिंग कंपार्टमेंट में रखते हैं और कंट्रोल यूनिट और वीएसडीयू को प्रिसाइडिंग ऑफिसर या थर्ड पोलिंग ऑफिसर के टेबल पर रखते हैं। अब सीयू का पावर स्विच ऑन कर दें। अब ईवीएम और वीवीपैट पोलिंग के लिए तैयार है। पोलिंग ऑफिसर कंट्रोल यूनिट पे बैलेट बटन को दबाकर बैलेट यूनिट को वोटर द्वारा वोट डालने के लिए एक्टिवेट करेगा। वोटर वोटिंग कंपार्टमेंट में जाकर अपने उम्मीदवार का बटन दबा सकता है। बीप साउंड के साथ यह सुनिश्चित हो जाता है कि उसका वोट रजिस्टर हो गया है। पोलिंग के दौरान जब कोई वोटर अपना वोट देता है तब वीवीपैट पे 7 सेकेंड्स के लिए एक स्लिप डिस्प्ले होती है। इन 7 सेकेंड्स में वोटर यह जांच सकता है कि उसने सही वोट दिया है या नहीं। 7 सेकेंड्स के बाद स्लिप खुद ही कटकर वीवीपैट के ड्रॉप बॉक्स में आ जाती है। इसका मतलब यह है कि वोटर अपनी पसंद की जांच तो कर सकता है लेकिन इस स्लिप को घर नहीं ले जा सकता। अगर पोलिंग के दौरान कोई वोटर वोट डालने की विधि जानना चाहता है तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर बीयू के कार्डबोर्ड मॉडल के जरिए पूरी प्रक्रिया उसे समझा सकता है। किसी भी हाल में प्रिसाइडिंग ऑफिसर वोटिंग कंपार्टमेंट के अंदर जाकर यह प्रक्रिया नहीं समझा सकता, लेकिन उन्हें समय समय पर बीयू की जांच करना अनिवार्य है, लेकिन सिर्फ पोलिंग एजेंट की मौजूदगी में और तभी जब कोई वोटिंग कंपार्टमेंट के अंदर ना हो। तो चलिए अब जानते हैं कि सीयू पे होने वाले डिस्प्लेस का मतलब क्या है। कैंडिडेट 16, ईवीएम को नोटा समेत 16 उम्मीदवारों के लिए सेट कर दिया गया है। इनवैलिड, सीयू पे किसी बटन को उसके क्रम के अनुसार नहीं दबाया गया है। फुल, इसका मतलब है कि ईवीएम में उसके अधिकतम संख्या के वोट डाले जा चुके हैं। यह अधिकतम संख्या है 2000 वोट्स। बैटरी हाई, मीडियम, लो, यह स्वयं समझा जा सकता है। सीरियल नंबर E00001, यह सीयू का यूनिक सीरियल नंबर है। कंप्यूटिंग रिजल्ट, मतलब वोट्स की गिनती हो रही है। पीएसटी एंड पीईटी, मतलब पोल स्टार्टिंग टाइम एंड पोल एंड टाइम। पीडीटी, मतलब पोल डेट एंड टाइम। कैंडिडेट 06:236, मतलब कैंडिडेट नंबर 6 को 236 वोट्स मिले हैं। प्रिंटिंग, मतलब प्रिंटिंग चालू है। क्लॉक एरर, मतलब आरटीसी रियल टाइम क्लॉक टाइम एंड डेट में कुछ गड़बड़ी है। अगर डिस्प्ले में लिंक एरर 1 आ जाता है तो इसका मतलब है कि केबल को सीयू या स्लाइड के साथ ठीक से नहीं जोड़ा है। स्विच पोजीशन अपने सही संख्या पे नहीं है। यूनिट्स आर नॉट कास्केडेड इन द राइट सीक्वेंस। प्रेस्ड एरर, इसका मतलब है कि किसी ने गलती से बीयू का कोई बटन दबा दिया है या वो जैम्ड हो गया है। आइए अब देखते हैं कि वीवीपैट के डिस्प्लेस के क्या मतलब है। अगर वीएसडीयू पे कोई मैसेज नहीं है और सीयू पे लिंक एरर दिख रहा है तो पूरे सिस्टम को बदलने की जरूरत है। अगर वीएसडीयू पे दिख रहा है एरर कोड 1, इसका मतलब है बैटरी लो हो गई है, तुरंत वीवीपैट की बैटरी बदल लें। एरर कोड 2 दर्शाता है प्रिंटिंग की गड़बड़ी। इस स्थिति में आपको वीवीपैट यूनिट बदलना पड़ सकता है। अगर सीयू में बैलेट की दबाने पर वीएसडीयू में एरर कोड 2 डिस्प्ले होता है तो सीयू को स्विच ऑफ कर दें। एरर कोड को टेस्ट फॉर्मेट में नोट डाउन करें। प्रिंटर एरर 2.1, अबनॉर्मल हेड टेम्परेचर। प्रिंटर एरर 2.3, प्रिंटर टाइमआउट एरर। प्रिंटर एरर 2.4, प्रिंटर लो वोल्टेज एरर। प्रिंटर एरर 2.5, प्रिंटर इनकरेक्ट कमांड एरर। प्रिंटर एरर 2.6, कटर एरर। प्रिंटर एरर 2.7, फॉल एरर। प्रिंटर एरर 2.8, प्रिंटर मेमोरी एरर। प्रिंटर एरर 2.9, कंट्रास्ट एरर। प्रिंटर एरर 2.10, लेंथ एरर। प्रिंटर एरर 2.12, प्लेट ओपन एरर। प्रिंटर एरर 2.13, नो पेपर एरर। प्रिंटर एरर 2.14, डिप्लीट एरर। याद रहे, वीवीपैट की यूनिट बदलनी हो या वीवीपैट की बैटरी बदलनी हो या केबल्स जोड़ने की प्रक्रिया है, ये सब करने से पहले सीयू को स्विच ऑफ करना जरूरी है।
पोलिंग खत्म होते ही अपनी चेकलिस्ट तैयार करनी चाहिए। वीवीपैट से जुड़ी अतिरिक्त सामग्रियों की ये चेकलिस्ट पोलिंग पार्टी को उपलब्ध करानी चाहिए। एक वोटर वेरिफायबल पेपर ऑडिट ट्रेल, वीवीपैट, एक वीवीपैट स्टेटस डिस्प्ले यूनिट वीएसडीयू, वीवीपैट प्रिंटर यूनिट के लिए एक एक्स्ट्रा पावर पैक, वीवीपैट सिस्टम के लिए एक कैरिंग केस, काले मोटे कागज से बने दो लिफाफे जिनमें मॉक पोल की प्रिंटेड पेपर स्लिप सील की जा सके, कागज के काले लिफाफों को सील करने के लिए एक प्लास्टिक बॉक्स, प्लास्टिक बॉक्स को सील करने के लिए दो पिंक पेपर सील, कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स के नियम 49MA के तहत मतदाता द्वारा उद्घोषणा हेतु फॉर्म की 10 कॉपीज। अगर किसी भी कारण से किसी पोलिंग स्टेशन पे CU या BU को बदलना पड़ जाए तो पूरा सेट यानी CU, सभी BUs तथा VVPAT को रिप्लेस किया जाना चाहिए। इसके बाद मॉक पोल कंडक्ट किया जाएगा। मॉक पोल के दौरान नोटा सहित हर एक कैंडिडेट के लिए एक वोट कास्ट किया जाएगा। VVPAT के खराब होने पर केवल VVPAT बदलना चाहिए। पोल के समय केवल VVPAT रिप्लेसमेंट के बाद मॉक पोल नहीं करना है। इस मतदाता केंद्र में आज का मतदान खत्म हो चुका है। मतदान खत्म होने के बाद क्लोज बटन पर लगी कैप को हटाएं और इसे दबाएं। कंट्रोल यूनिट पर अब बैटरी की स्थिति, नोटा सहित उम्मीदवारों की कुल संख्या, PST, PET और डाली गई कुल वोटों की संख्या जैसे संदेश आएंगे। इस दौरान एक दिक्कत आ सकती है, आइए देखते हैं कि उसे कैसे दूर कर सकते हैं। मतदान खत्म होने के बाद अगर बैलेट बटन चालू हो जाता है या गलती से बैलेट बटन दब जाता है तो इन दोनों ही स्थिति में CU में रेड बिजी लैंप जलने लगेगा। ऐसे में CU का पावर ऑफ करें, इससे लैंप जलना बंद हो जाएगा और आप दोबारा से पावर ऑन करके मतदान को क्लोज कर सकते हैं। मतदान को क्लोज करने के बाद क्लोज बटन कैप लगाएं और CU का पावर ऑफ कर दें। इसके बाद CU, BU और VVPAT के केबल्स को डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। फिर CU, BU, VVPAT और VSDU को उनके कैरिंग केसेस में पैक कर दें। फिर इन केसेस को सील कर दें और उस पे एड्रेस टैग लगा दें। इन एड्रेस टैग्स पर उपस्थित पोलिंग एजेंट्स के हस्ताक्षर लेना ना भूलें। काउंटिंग के दौरान सिर्फ CUs की जरूरत पड़ती है, BUs को काउंटिंग हॉल में ले जाने की जरूरत नहीं होती। CU से रिजल्ट देखने से पहले CU का यूनिक ID नंबर, पिंक पेपर सील का यूनिक ID नंबर और ग्रीन पेपर सील का यूनिक ID नंबर रिकॉर्ड से सुनिश्चित कर लें और उपस्थित काउंटिंग एजेंट्स को दिखा दें। मतों की गिनती के लिए रिजल्ट सेक्शन के बाहरी सील को खोला जाता है। ध्यान रखें कि सिर्फ बाहरी ढक्कन को खोलें, अंदर वाले ढक्कन को नहीं। 2006 के बाद EVMs में पोल स्टार्ट और एंड डेट और टाइम भी रिकॉर्ड से मैच कर लें। रिजल्ट को लिख लें और कंट्रोल यूनिट को बंद कर दें। काउंटिंग पूरी होने के बाद CU को अपने कैरिंग केस में वापस रख दें, चाहे CU से रिजल्ट रिट्रीव हुए हों या ना हुए हों। इन कैरिंग केसेस को दोबारा सील कर दें और RO और ऑब्जर्वर इस सील पर अपने हस्ताक्षर कर दें। यदि CU पर रिजल्ट डिस्प्ले नहीं होता तो उसके साथ लगे VVPAT के प्रिंटेड पेपर स्लिप्स की गिनती की जाएगी। इन कंट्रोल यूनिट्स को फिर स्ट्रॉन्ग रूम में वापस रख दें। अगर कोई उम्मीदवार या उसका इलेक्शन एजेंट या काउंटिंग एजेंट किसी मतदान केंद्र या केंद्रों के VVPAT पेपर स्लिप्स की गिनती के लिए RO के पास लिखित में आवेदन करता है तो RO उसके आवेदन को पूरी तरह या आंशिक तौर पर स्वीकार कर सकता है। अगर उसे लगता है कि ये आवेदन आधारहीन है तो वो उसे रद्द भी कर सकता है। RO लिखित में एक स्पीकिंग ऑर्डर पास करेगा कि प्रिंटेड पेपर स्लिप्स की गिनती की जानी है या नहीं। इस बात का निर्णय करने के दौरान RO को इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। क्या उस मतदान केंद्र में डाली हुई कुल वोट्स की संख्या जीतने वाले उम्मीदवार और अपील करने वाले उम्मीदवार के पक्ष में पड़ी वोट्स के मार्जिन से कम है या अधिक? क्या EVM में कोई गड़बड़ी आ गई थी और मतदान के समय उसे बदलना पड़ा था? क्या VVPAT के बारे में ऐसी शिकायत आई थी कि वो पेपर स्लिप प्रिंट नहीं कर रही? या मतदान के दौरान उस मतदान केंद्र में किसी ने मतदान के नियम 49MA के तहत शिकायत की थी? RO अपने फैसले को लिखित में आधार सहित दर्ज करेंगे। अगर RO
वीवीपैट प्रिंटेड पेपर स्लिप्स को गिनने का फैसला करते हैं तो उसकी प्रक्रिया इस प्रकार से होगी। वीवीपैट को वीवीपैट काउंटिंग बूथ में लेकर आएं। ड्रॉप बॉक्स के एड्रेस टैग की जांच इस बात की पुष्टि के लिए करें कि यह उसी मतदान केंद्र से संबंध रखता है जिसकी गिनती का आदेश आरओ ने दिया है। इसके बाद एड्रेस टैग हटाकर ड्रॉप बॉक्स से पेपर स्लिप्स बाहर निकालें। ये सुनिश्चित करें कि कोई भी पेपर स्लिप ड्रॉप बॉक्स में पड़ी ना हो। सभी काउंटिंग एजेंट्स को ये दिखा दें कि वीवीपैट से सभी प्रिंटेड पेपर स्लिप निकाल ली गई हैं। अगर मतदान के दौरान वीवीपैट को बदला गया था तो इस मतदान केंद्र में इस्तेमाल की गई सभी वीवीपैट यूनिट्स को काउंटिंग टेबल पर गिनती के लिए लाया जाना चाहिए। अब कृपया ध्यान दीजिए कि जिस वीवीपैट को किसी कारण से बदला गया था उसमें पूरी या आंशिक रूप से छपी हुई बिना कटी पेपर स्लिप हो सकती है। ऐसी लटकी हुई या बिना कटी स्लिप गिनी नहीं जानी चाहिए। कृपया लटकते हुए ऐसे कागज को फाड़ने की कोशिश ना करें। जब तक कि मशीन खुद प्रिंटेड पेपर स्लिप को काटती नहीं है, वोट इलेक्ट्रॉनिक तरीके से सीयू में रिकॉर्ड नहीं होता। ऐसे मामले में जिस आखिरी मतदाता की प्रिंटेड पेपर स्लिप नहीं कटी थी उसे वीवीपैट को बदलने के बाद अपना वोट देने का अवसर दिया जाना चाहिए। याद रखें कि इस्तेमाल की गई हर वीवीपैट के ड्रॉप बॉक्स में सेल्फ टेस्ट रिपोर्ट की कुछ प्रिंटेड पेपर स्लिप्स होती हैं। इसे आसानी से पहचाना जा सकता है क्योंकि इनमें किसी उम्मीदवार का नाम या चुनाव चिन्ह नहीं होता है। इन प्रिंटेड पेपर स्लिप्स को साथ ही संभाल कर रखना चाहिए, लेकिन इन्हें गिनना नहीं चाहिए। किसी उम्मीदवार विशेष से संबंध रखने वाली सभी प्रिंटेड पेपर स्लिप उस उम्मीदवार के लिए बनाए गए पिजन होल में रखें। फिर हर उम्मीदवार की ऐसी 25 स्लिप्स का बंडल बनाएं। इसके बाद काउंटिंग स्टाफ हर उम्मीदवार की प्रिंटेड पेपर स्लिप्स को गिनना शुरू करेगा। प्रिंटेड पेपर स्लिप की गिनती के परिणामों को ऊंची आवाज में घोषित करें और ये परिणाम काउंटिंग एजेंट्स को भी दिखाएं। अगर सीयू और प्रिंटेड पेपर स्लिप्स की गिनती में अंतर आता है तो प्रिंटेड पेपर स्लिप की गिनती के हिसाब से रिजल्ट शीट में बदलाव करें। फिर आरओ खुद किए गए इन बदलावों के बारे में सूचित करेंगे और परिणामों की घोषणा करेंगे। प्रिंटेड पेपर स्लिप के काउंटिंग के बाद उसे उसी वीवीपैट के ड्रॉप बॉक्स में वापस रखकर सील कर देंगे। मतदान के बाद ईवीएम और वीवीपैट को स्ट्रॉन्ग रूम में रखें। स्ट्रॉन्ग रूम इलेक्शन पिटिशन पीरियड पूरे होने तक न खोला जाए, यानी जब तक ईपी लिस्ट रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट से न आ जाए। इलेक्शन पिटिशंस का पीरियड खत्म होने के बाद, यानी परिणाम के घोषित होने के 45 दिन बाद, डीईओ कंसर्न्ड हाईकोर्ट से ईपी की एग्जैक्ट पोजीशन जांच लेगा। उसके बाद ये एक्शन लिया जाएगा। चुनाव में इस्तेमाल हुए सभी वीवीपैट्स डीईओ के कस्टडी में अनटच्ड रहेंगे जब तक इलेक्शन पिटिशन की अवधि खत्म ना हो जाए और डीईओ ने कंसर्न्ड हाईकोर्ट से ईपी की एग्जैक्ट पोजीशन पता न की हो। उन केसेस में जहां कोई इलेक्शन पिटिशन नहीं फाइल की गई हो या कोई भी कोर्ट केस पेंडिंग ना हो, वो सब वीवीपैट अगले चुनावों के लिए ट्रेनिंग, अवेयरनेस, मूवमेंट, फिजिकल वेरिफिकेशन के पर्पस के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। अब आइए हम एक नजर डालते हैं ईवीएम के कुछ महत्वपूर्ण डूज एंड डोंट्स पर। इस्तेमाल से पहले ईवीएम के काम काज को ध्यान से समझें। ईवीएम को गर्मी, धूल, बारिश, आग और दूसरे खतरों से बचाएं। ये सुनिश्चित करें कि बीयू, सीयू और वीवीपैट उस सतह पर ठीक से टिकी है जिस पर उन्हें रखा गया है। सुनिश्चित करें कि केबल सीयू में ठीक से लगी है। केबल सिर्फ एक दिशा में ही लग सकती है। लैच और हिंज पर ज्यादा दबाव ना डालें। सीलिंग के दौरान मशीन्स पर पिघला हुआ लाख या मोम न गिरने दें। जब तक कंट्रोल यूनिट या वीवीपैट काउंटिंग टेबल पर न पहुंच जाए, किसी भी सील को न हटाएं। काउंटिंग के बाद पावर पैक और पेपर रोल्स को ईवीएम और वीवीपैट से न निकाला जाए। मशीन्स को आपस में जोड़ने वाले केबल को कनेक्टर के हुड पे लगी स्प्रिंग टाइप क्लिप्स को दबाए बिना न खींचें। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि हमेशा ये सुनिश्चित करें कि ईवीएम की निगरानी होती रहे। और ना करने वाली सबसे जरूरी बात यह है कि किसी भी स्थिति में, किसी भी स्तर पर ना तो मशीन को खोलने की कोशिश करें और ना ही इसकी बाहरी और भीतरी सील के साथ कोई छेड़छाड़ करें। मशीन को सुधारने की कोशिश बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, इसकी सख्त मनाही है। आइए अब इसकी यात्रा पर कुछ खास नजर डालें। इस यात्रा की शुरुआत होती है FLC या फर्स्ट लेवल चेकिंग से। यहीं पर ईवीएम और वीवीपैट में मौजूद सभी पुराने आंकड़ों को मिटाया जाता है।
यहीं पर पहले मॉक पोल भी किया जाता है। सीयू पर पिंक पेपर सील भी लगाया जाता है ताकि सील तोड़े बिना कोई भी सीयू के भीतरी हिस्से तक ना पहुंच सके। एफएलसी के बाद फर्स्ट रैंडमाइजेशन होता है जिसमें ईवीएम और वीवीपैट का असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज एलोकेशन होता है। उम्मीदवारों का आखिरी फैसला होने के बाद ईवीएम और वीवीपैट को एक बार फिर आरओ के स्तर पर रैंडमाइज किया जाता है। यहीं से इसे मतदान केंद्रों के लिए एलोकेट किया जाता है। ईवीएम को आरओ के स्तर पर मतदान केंद्रों के लिए तैयार किया जाता है जहां मत पत्रों को बीयू में लगाया जाता है और इसके बाद वीवीपैट में सिंबल लोडिंग होती है। एक बार फिर एक और मॉक पोल करके उनके काम काज की जांच होती है। बीयू पर पिंक पेपर सील ये सुनिश्चित करने के लिए लगाई जाती है कि बिना सील तोड़े कोई बीयू के अंदरूनी हिस्से तक ना पहुंच सके। इसके बाद प्रिसाइडिंग ऑफिसर और उनकी टीम ईवीएम और वीवीपैट को मतदान केंद्र तक ले जाती है जहां वास्तविक मतदान के शुरू होने से पहले एक और मॉक पोल होता है ताकि आखिरी बार ये जांच हो सके कि मशीन्स ठीक से काम कर रही हैं या नहीं। इसके बाद कंट्रोल यूनिट के रिजल्ट सेक्शन को बहुत ध्यान से सील किया जाता है और इसके बाद वोट्स डाले जाते हैं। मतदान खत्म होने के बाद ईवीएम को ठीक से बंद करके अनुदेशों के अनुसार सील किया जाना चाहिए। अब ईवीएम मतगणना केंद्र तक पहुंचती है जहां सील तोड़ी जाती है और वोट गिने जाते हैं। परिणाम घोषित हो जाने के बाद ईवीएम स्ट्रांग रूम में पहुंचती है और अगले मतदान का इंतजार करती रहती है। तो शुरू करते हैं हम आज का आखिरी क्विज। चुनाव की तैयारी में इनमें से सबसे पहला स्टेप कौन सा होता है? रैंडमाइजेशन, फर्स्ट लेवल चेकिंग, पोल डे प्रिपरेशन या फिर डिस्पर्सल ऑफ पोलिंग पार्टीज। सीयू की सील कब तोड़ी जाती है? एफएलसी के दौरान, रैंडमाइजेशन के दौरान, काउंटिंग के दौरान या फिर मॉक पोल के दौरान? मुझे उम्मीद है कि आप इन सारी प्रक्रियाओं को अच्छे से समझ चुके हैं, लेकिन अगर आपको कभी भी कोई भी डाउट हो तो आप इस सेशन के तुरंत बाद अपने ट्रेनिंग ऑफिसर से उसे क्लियर कर लें। नमस्कार।